हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हेल्दी चस्का में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि चना दाल का पुलाव है। तो इसके लिए हमने देखिए ये चने की दाल ली हुई है। आप किसी अगर आप सभी के पास मेजरिंग कप नहीं होते हैं तो इसलिए हमने ये इसे हमने बॉल से आप कोई भी एक कटोरी या बॉल अपने घर की ले लें, उससे आप मेजर करके इसको बनाएं। तो ये हमने चने की दाल ली है और एक बॉल हमने जिस बॉल से चावल लिया है उसी का से थोड़ा कम, अगर ये 100% है तो इसको हम 75% इस तरह से आप इस रेशियो में आप ले लें। तो हमने ये एक बोल भर के चावल लिया है तो उससे थोड़ा कम हमने ये चने की दाल ली है। इसका रेशियो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है पुलाव बनाने के लिए बासमती राइस होता है। बासमती राइस आप पक्का दाना लें किसी अच्छी क्वालिटी का, तब ताकि वो टूटे ना और उसका लंबा दाना बने। तो इसके लिए साथ ही हमने इसमें वेजिटेबल्स का हम यूज़ बहुत कम करेंगे इसमें, क्योंकि ये चने दाल का ही पुलाव बना रहे हैं हम, तो इसमें हम वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर केवल ये देखिए, ये हमने अगर आप गार्लिक और ओनियन यूज करते हैं खाते हैं तो आप ले लें, नहीं तो आप स्किप कर दें। एक हमने पोटैटो लिया है और थोड़ी सी ये हमने हरी मिर्च ली है। साथ ही हमने देखिए ये थोड़े से स्पाइसेस लिए हैं, ये हमने खड़े मसाले लिए हैं, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और ये दालचीनी। इसमें जीरा बहुत अच्छा लगता है, जीरा हमने 1 टेबल स्पून पूरा भर के अच्छे से लिया है। उससे थोड़ा कम हमने ये मस्टर्ड सीड, उससे थोड़ा कम ये हमने काली मिर्च दाना, ये लाल मिर्च और ये तेज पत्ता। तो इसको आप इसके रेशियो को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। हम इसको भिगो नहीं रहे हैं ताकि हमारा दाना खिला खिला और थोड़ा मिले ना, इसलिए हम इसको पहले से हम भिगो कर नहीं रख रहे हैं। तो ये हम सबसे पहले इन दोनों को हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से वॉश कर लें 2-3 बार। हमने इसको चने दाल और चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको एक साइड से रखते हैं और अपनी वेजिटेबल्स तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले हम इसको वो ओनियन को हम बड़ी बड़ी स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए हमने पील करके इनको रखा हुआ है। साथ ये देखिए ओनियन हमने कट कर लिया है, साथ ही ये हमने ग्रीन चिली ली है, इसको भी हम 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी अपने ग्रीन चिली को, ये इसको स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको पेस्ट फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हम इसको स्लाइसेस में ही डालना पसंद करेंगे। इस तरह से हम अपनी सभी गार्लिक कट कर लेंगे, साथ ही ये हम अपना ये पोटैटो को भी देखिए फटाफट इसको भी पील करके, देखिए आलू को भी हमने अच्छे से पील कर लिया है, इसको भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप जो भी वेजिटेबल यूज करना चाहें इसमें या विदाउट वेजिटेबल भी, ये बहुत अच्छा लगता है। अब आइए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। पुलाव कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस कुकर पर अपने कुकर पर बिलीव हो, विश्वास हो, उसी कुकर को रखें। कोई कुकर जल्दी विसल लगा देता है, कोई देर में लगाता है। आज हमने ये अपना पुराना वाला कुकर लिया, इस पर हमें अपना विश्वास है। और देखिए पुलाव या राइस या खिचड़ी हमेशा घी में या बटर में ही अच्छी बनती है। और वैसे आप ऑप्शनल है, आप जो चाहें वो यूज करें, हम इसमें देसी घी का यूज कर रहे हैं। तो हमने ये 1 टेबल स्पून बड़ा वाला भरकर ये हमने घी डाला हुआ है, इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसमें हम सबसे पहले ये अपने खड़े मसाले सभी को ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें हम अपने ये चॉप्ड जो हमारी ओनियन है इसको डालेंगे। ओनियन एंड गार्लिक,
सभी को डालकर अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और इसमें से हम थोड़ी सी अपनी ओनियन निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे क्योंकि इसी स्टेज पर हम थोड़ा सा ओनियन ने कलर चेंज कर दिया है, थोड़ी सी हम ओनियन बाहर निकाल लेंगे। ये हमने बे लीफ डाली है, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, ये मस्टर्ड सीड, साथ ये हमने जीरा, सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी मीडियम फ्लेम पर सारे सभी स्पाइसेस वेजिटेबल्स को अच्छे से रोस्ट कर लें। देखिए साथ ही अब हम इसमें ये हमने जो ग्रीन चिली कट करके रखी थी वो डाल देंगे और पोटैटो भी, सबको अच्छे से रोस्ट करेंगे पहले थोड़ी देर। इसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें, क्योंकि ये हम चने की दाल का बना रहे हैं, हम इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर ये ऐड करेंगे, साथ ही इसमें हम हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, और हम इसमें अब कोई भी स्पाइसेस नहीं डालेंगे। देखिए सबको अच्छे से मिक्स कर दें। राइस डालने के बाद ज़्यादा कलछी या चमचे को ना चलाएं, इसलिए पहले ही अच्छे से सबको मिक्स कर लें। अब हम इसमें ये अपने भीगे हुए धुले हुए राइस इसमें ऐड कर देंगे, चना दाल, थोड़ा सा हल्के हाथों से सबको मिक्स करेंगे। साथ ही इसी स्टेज पर अब हम इसमें नमक 1 टेबल स्पून, ये हमने नमक डाला है, इसको भी मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर इनको रोस्ट कर लें, अच्छे से सब में कोटिंग हो जानी चाहिए। अब जिस बॉल से हमने चावल मेज़र किया था उसी बॉल से हम 2 बॉल इसमें पानी डालें। ये देखिए 2 बॉल हमने इसमें पानी डाला है, अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। साथ ही अब ये हम 1 टेबल स्पून ये हमने लेमन जूस, लेमन का रस डाला है, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा, कुकर में ही देखिए बहुत अच्छा पुलाव बनेगा। अच्छे से बंद कर दें कुकर और इसको एक सीटी, हमारे इस कुकर में एक ही सीटी सफिशियंट रहती है। हमारी एक विसल आ गई, अब हम इसको गैस को ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर, जब तक स्टीम नहीं निकलेगी इसको ऐसे ही बंद रखेंगे। कि अब हमारी ये पूरी स्टीम निकल चुकी है, इसको खोल कर देखते हैं। देखिए कितना अच्छा पुलाव बना है, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग। ये देखिए आप, कुछ लोग कहते हैं कुकर में हमारा पुलाव अच्छा नहीं बनता, ये देखिए हमने कुकर में ही आज बनाकर दिखाया है, बिल्कुल एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल खिला हुआ। देखिए आप, तो हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये हमने पुलाव अपना इसमें सर्व कर दिया है। ये हमने थोड़ी सी ओनियन जो निकाली थी वो हम इसके ऊपर से देखिए इस तरह से गार्निश कर रहे हैं, हरी मिर्च और ये हरा धनिया। ये देखिए हमने पुलाव अपना सर्व कर दिया है, इसमें थोड़ा सा देसी घी, घी के बिना पुलाव या राइस या खिचड़ी में मज़ा नहीं आता। आप इसको किसी भी चटनी, सॉस, अचार और रायते के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, के साथ ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो
तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।